और साथ ही हमारे शो पे भी आ गई। 16 सोमवार के व्रत रखे थे। तो पहले क्या करती थी श्रेया आप? मैंने ग्रेजुएशन करके मैं 2 साल मॉडलिंग कर रही थी। ओके तो उसके बाद फिल्मों में आ गई आप? जी हाँ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। और ट्रेलर में मैंने देखा है, बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। मोहतरमा आपकी हाइट कितनी है? 6 फुट 3 इंच। हील्स के साथ सर 6 फुट 3 इंच, लेकिन 5 फीट 9 इंच। तेरी क्या बात है। अरे ये जो आपको मिनिस्ट्री जो मिली है, इसमें ये भी डिपार्टमेंट आता है लड़कियों का भी ध्यान रखना। मेरी हाइट तो पूछी नहीं इतने सालों में आज तक आपने। नहीं पर वो मतलब तेरे साथ जब खड़ी हुई ना, जी जी, तो मुझे लगा तू बौना सा लग रहा है। आपकी हाइट तो ज्यादा है, 6 फुट 2 इंच, फिर भी एक कम है। तो 3 है। पर ये डियर माया में जो है कास्टिंग, तकरीबन सब लड़कियां हैं, और जिन्होंने फिल्म लिखी और डायरेक्ट की है वो भी एक लड़की है, बहुत खूबसूरत है, सुनैना भटनागर, जो हमारे बीच मौजूद है। सुनैना आपका बहुत बहुत स्वागत है। ना एक बात पूछूं आपसे, मतलब जैसे आपने फिल्म लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है, आप लड़की हैं, सब लड़कियों ने काम किया है, जेंट्स देख सकते हैं ना फिल्म को? वैसे ये फिल्म जो है डियर माया, इसका ख्याल आपके मन में कैसे आया? ये बड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट है, मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट कभी नहीं देखा कि एक लेडी है जो अपने आप एक हवेली में बंद कर लेती है, फिर उनको सडनली कोई प्रैंक खेलती है लड़कियां। तो ये है इनके जन्मदाता जो है, इन्होंने स्टोरी लिखी है और डायरेक्ट की है। हाँ क्या है उसमें, व्हाट इज द थीम? एक्चुअली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, ट्रू स्टोरी, जिसमें एक औरत थी पंजाब में, शी सॉ द सिख रायट्स इन 1984। ओके। और खिड़की से उसने रायट्स देखे, उसके बाद 30 साल बाद उनको घर से निकाला गया, एंड हर हस्बैंड यूज टू लिव नेक्स्ट डोर, क्योंकि उसको भी अंदर आने नहीं देती थी, शी वॉज सो स्कैर्ड। तो वहाँ से कहानी का आइडिया शुरू हुआ कि कोई क्या हो सकता है ज़िंदगी में जो आप अपने आप को अंदर बंद कर लें, और फिर क्या हो सकता है जिससे आप बाहर आएँ। Congratulations, Sunaina, and all the best. Thank you so much. Shreya, वैसे तो एक्ट्रेस हैं, पर इनको हॉर्स राइडिंग, बाइक चलाना, पता नहीं और कौन 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 से शौक हैं आपके? और बॉक्सिंग। अच्छा जी। तो तू बच के रही हो। नहीं आप हीरोइन बनने आई इंडस्ट्री में, आप किसी से बदला लेने आई हैं? मतलब ये सारे ही ऐसे खतरनाक काम करती हैं। और आपका मोबाइल कहाँ है? पता नहीं। अच्छा, लेके नहीं आई साथ में? नहीं। अरे मुझे मिस कॉल मारनी थी, मेरा फोन नहीं मिलता। अच्छा मनीषा जी, पहले तो ऐसा फैशन में नहीं था, लेकिन आपने जिन जिन स्टार्स के साथ काम किया है सबने 6 पैक बना लिए जी। मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखाता हूँ, खाली आपको देख के बताना किन के हैं ये। दिखाइए जरा। शाहरुख। अजय देवगन। और नेक्स्ट आमिर, आमिर खान। और कोई आगे? आपसे पूछा किसी ने? दोनों चुप रहो। शाहरुख, कैमरामैन इज सेइंग शाहरुख। ये तो पक्का शाहरुख भाई है, क्या बात है। और नेक्स्ट सलमान। ओए होए क्या बात है। अच्छा आपको पता है मनीषा जी, जैसे आपने आई लव यू का आविष्कार जब हुआ था, इल्लू इल्लू का एक्चुअली सौदागर फिल्म में, आजकल भी बड़े शॉर्ट फॉर्म्स आ गए हैं आजकल, जैसे वो इतनी सारी सोशल नेटवर्किंग साइट पे चीजें आ गई, व्हाट्सएप आ गया। मैं आपको कुछ वर्ड्स पूछता हूँ, आपको बताना उसका मतलब क्या है। रॉफल, ROFL। बेटा तू ही आ जा इधर। आपको एक्चुअली एक्चुअली पता है आपको? Roll on the floor laughing. Rolling on the floor laughing. इसका मतलब क्या था वैसे? बहुत हंसना। अच्छा। TTYL. Talk to you later. आप तो कहती है मेरे पास फोन नहीं है। अरे किस? Not me. I mean KISS. Keep it simple, sweetie. Oh. ये मैंने खुद से बनाया है। Okay. ILTKSS. I love the Kapil Sharma show. Oh, wow! अच्छा ये तो हो गए ना शॉर्ट वर्ड। कई लोग कोड वर्ड रखते हैं, जैसे बड़ी बड़ी फैमिली होती है ना, उनमें कभी कभी पति बैठा हुआ है माँ बाप के बीच, तो लेडीज बहाने से बुलाती है ना अपने पति के, मैंने कहा जी सूटकेस निकाल दो ऊपर से, तो पति सूटकेस निकालने के बहाने अंदर चला जाता था।
हालांकि और किसी को समझ ना आया, ससुर को समझ आ जाती थी क्योंकि वो भी सूटकेस निकाल निकाल के चार छोटे छोटे ब्रीफकेस पैदा किए ना। हाय कपू। हेलो मनीषा मैम। हाय श्रेया, मैं हूँ सल्ला। हाय सल्ला। ये क्या है, तेरे को कोई और नहीं मिला? क्यों, अब इससे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, मैं टेडी बेयर से पूछ रहा हूँ। आपको पता है ये ना दूसरों के घरों में जाती है, ये बहाना लगा के कि पोलियो की दो बूंदे पिलाने आई हूँ, छोटे तो छोटे बच्चों से ये छीन के ले आती है। किसका छीन के लाई है? कपू, मैं तुम्हारे लिए खरीद के लाई हूँ। देखो इसमें आई एल यू भी लिखा है। आई एल यू का मतलब पता है? आई हेट यू। हेट यू नहीं, लव यू होता है। वो मनीषा जी जैसी खूबसूरत लड़की उनके लिए होता है। उनको नहीं पता है? ये टैलेंटेड बहुत है लेकिन मनीषा जी, है ना? कलर टीवी लिया ना, पानी में डुबो के चेक कर रही थी। मैं क्या कर रही है? कहती देख रही हूँ कलर तो नहीं छोड़ रहा। मनीषा मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपकी कोई फिल्म मिस नहीं की है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है। रियली? यस। इनको एक्चुअली मैं बताता हूँ ना, इसको टिकट मिल जाती थी। कैसे? वो जो प्रमोशन करने वाले रिक्शा नहीं होते जिसके चारों तरफ पोस्टर लगा के, रिक्शा चलाने वाला खुद ही आगे जाके नाश्ता भी रोक के आपके शहर में करके दिखा सरला जैसे करती थी। क्या बात कर रहे हो, तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो मनीषा मैम से। मैम आप नेपाल से हैं? हाँ जी। मेरा भी नेपाल से कनेक्शन है। क्या? ओके। पापा हनीमून के लिए नेपाल गए थे। हाँ, पापा नेपाल गए थे, मम्मी चाइना गई थी इनकी। एक सेकंड कपू, हनीमून पे हस्बैंड वाइफ एक ही जगह जाते हैं। तो ये अपने माँ बाप को समझाना चाहिए था ना। अलग अलग गए ये। तुम हमेशा ऐसी ही बातें करोगे, कभी तो मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें सर्च ही कर लिया करो। ये बहुत सर्च करती है, आपको पता है? क्या? सारा दिन गूगल पे बैठ के ये एनी लंगर नियर बाय यही सर्च करती रहती है। देखो कपू, मैं ना तुमसे कम नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही यहाँ बैठे बैठे इंटरव्यूज ले सकते हो? मैं भी ले सकती हूँ। आ जाओ, तुम्हें मना किया किसी ने? हाँ तो ठीक है, मैं ले लेती हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मनीषा जी, वेलकम टू द सल्ला शर्मा शो। बहुत बहुत तालियां। तुम तो गुलाटी है। हाँ तो शादी के बाद शर्मा ही तो हो जाऊंगी। आप इस बात पे हंस सकते हैं। वैसे मनीषा जी, आप बताएं आपको कैसा लगा हमारे शो पे आके मुझसे मिलके? बहुत अच्छा लगा सरला। मुझे पता नहीं था आप झूठ भी बोल लेते। वैसे मनीषा जी, यहाँ आपके इतने सारे फैंस हैं, आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ आपसे पूछना चाहेंगे। तो कोई है जो मनीषा जी से कुछ पूछना चाहता है? जी मेरे दोस्त, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ सरला जी, आप यहाँ से कब जाएगी, आपकी एग्जिट कब है? तुम बाहर मिलना। बाहर मत मिलना है, बोले कि कॉफी पिलाओ। यार कपू, यार तुम चुप रहो, तुमसे कुछ नहीं होगा। मनीषा मैम, आपका एक बहुत ही प्यारा रोमांटिक सॉन्ग है कुछ ना कहो, जो मेरा फेवरेट है। ओके। तो अगर आप इस आदमी को थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दे कि मेरे साथ कुछ एक रोमांटिक नंबर कर ले। कम ऑन कपिल, यू मस्ट। आपकी रिक्वेस्ट में तो शादी कर लेगा। मैं आपकी इतनी प्लीज डू इट। पक्का? हाँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, करते हैं, आ जाओ। क्या बात है, कॉर्ड दे रहा तो कॉर्ड भी मत दे, रहने दे। कुछ ना कहो, बिल्कुल भी कुछ ना कहो, दबा जाओ यहाँ से, मेरे को कोई नहीं। टैक्सी बनी, देखा हाथापाई पे उतर आती है। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। अरे यार, पर ये तो ऐसे ही फालतू बैठ गई। पर एक्चुअली आप के फैंस जो हैं आपसे बातें करना चाहते हैं, जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप जो भी बात करना चाहते हैं आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी भाई साहब, एक सवाल मेरा आपसे, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? जी नमस्ते जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर, अच्छे। पर्स वगैरह गुम हो गया आपका, क्या हुआ? नहीं सर, बड़ा खुल के यार, फर्स्ट टाइम माइक पकड़ा है इसलिए। हैं? क्या करते हैं वैसे? ग्रेजुएशन किया है सर। अच्छा जी, अभी कॉमेडियन बनने के लिए मुंबई आया। मैम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बचपन से मैंने आपकी सब मूवीज देखी है। हैं? ये 14 साल के हैं आप? मैम मैं आपके लिए वो आपका लव स्टोरी 1942 का सॉन्ग गाना चाहता हूँ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लग। प्लीज गाइए। मैं स्टेज आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, आपका अपना स्टेज है। पूजा हंसी जा रही है। पूजा तुम्हें काम नहीं, क्यों पूजा?
अच्छी बात है, हंसती रहो, अच्छी लगते। आओ बैठो बैठो, आज आज बैठो। और सुनाओ। जी सर, मेरा नाम जगदीश है। कॉमेडी ही क्यों करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स के बाद आजकल कॉमेडी में ज्यादा पैसा है। ये क्या बात है? ये फैक्ट है सर, मैंने देखा है। तो जगदीश, क्या क्या कुछ सुनाइए। मनीषा जी आपकी फेवरेट हैं तो आपके सामने है। मैं आपके लिए सॉन्ग गाना चाहता हूँ, एक लड़की को देखा तो। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे मन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक चलता दिया, हो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ये गाना ना मंदिर में भी गा सकते हैं क्योंकि भगवान सबको माफ कर देते हैं। ये इनको साथ लेके चलना है। मैम, मैंने आपकी सभी फिल्में देखी है। आपको माइक माइक थोड़ा पाजी बोल रहे हो आप जी। इनकी मूवीज दिल से देखी थी, फिर मैं शाहरुख खान जैसी एक्टिंग कर रहा था घर पे, वो मैंने आग लगा दी ऐसे। कैन यू जस्ट इनएक्ट शाहरुख? ऐसे मैंने हाथ आग लगा दी ऐसे, थोड़ा मिट्टी का तेल छिड़क कर ऐसे आग लगा दी, फिर मैंने ऐसे हाथ घुमाया, आग तो जुझी नहीं, मेरा मुंह आग के ऊपर आ गया तो मेरी ये दोनों आईब्रो आधी आधी जल गई। तो डायलॉग तो सुनाओ शाहरुख भाई का, कोई डायलॉग शाहरुख भाई का श्रेया जी के लिए। ये बंदा ना, ये अंदर से कुछ है और। ये धीरे धीरे ना सबको लपेटे में ले रहा है। पहले मनीषा जी को मस्का लगाया, अभी धीरे। मैम तो बहुत बड़ी है ना, इनके लिए वो डायलॉग सूट करेगा ऐसे। तो कोई डायलॉग सुना दो। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। आज आप सभी ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू वेरी मच। यार मेरा दिल कर रहा है तुम्हें कोई गिफ्ट दूं मैं, पर दिमाग कह रहा कि रहने दो। पर आइए, आपका ट्रू फैन है, आइए एक एक फोन लेके आइए। मनीषा जी, ये हम लोग जो हमारे दर्शक यहाँ पे आते हैं, मनोरंजक दर्शक, उनको हम ये गिफ्ट देते हैं, ये खूबसूरत सा मोबाइल आपके खूबसूरत से हाथों से। ओके, अभी पेंट थोड़ी ऊपर खींचो। हाँ अभी ठीक है। शुक्रिया जगदीश, थैंक यू सो मच। आप बड़े दिलचस्प आदमी हैं। गॉड ब्लेस। छा गया गुरु। और कोई हमारे दोस्त? यस प्लीज, हाउ आर यू? हेलो, हाय। मैम, मैंने आपकी सारी मूवीज देखी हैं, मोस्ट ऑफ आपने सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, बट जो मेरे स्पेशली फेवरेट हैं उनके साथ नहीं किया है। कौन आपके फेवरेट? हमारे कपिल शर्मा जी। ओह वाओ। सो अरे वो फोन छीन के इनको दे दीजिए। तो स्वीट, क्या नाम है आपका? बिजल। बिजल, ये नाम मैंने पहली बार सुना। बिजल, इसका मतलब क्या होता है? पता नहीं, ऐसे ही रख दिया है पापा ने। सर, सो आई विल रिक्वेस्ट यू, कुछ दो लाइन आप मैम के लिए गा दीजिए तो। आई वुड लव टू। थैंक यू सो मच बिजल। तो कैसे हैं? नमस्कार। देखिए हमारा तो भाग्य खुल गया यार, मनीषा कोहिराला जी आई हुई है। मनीषा जी नमस्ते। हाय हाय श्रेया, डैब फॉर यू। आपको पता है आजकल ऐसा यंगर जनरेशन करता है, डैब। खैर, देख के बड़ा मजा आया आपको, इतना खुशी हो रहा है ना। ए कपूर शर्मा, एक काम करो यार, पहले अपना एक ये मनीषा जी के हाथ से ना एक मोबाइल जरा एक पुतन को दिलवा दीजिए। क्यों, इसको क्यों दे फोन? अरे इसने क्या कमाल का सवाल पूछा यार हमसे, और हमने देखा है यहाँ पर कोई अच्छा सवाल पूछता है उसको मोबाइल मिलता है। दीदी क्या सवाल पूछा है? अरे इसने हमसे कमाल का सवाल करा, इसने हमसे हमसे पूछता है कि श्री बच्चा यादव जी, पहली बात तो देख के नाम में इतना रिस्पेक्ट टपका दिया इसने, हमको आदत नहीं है इतना रिस्पेक्ट का।
फिर कहता है कि श्री बच्चा यादव जी, आपका ये ऋतिक रोशन जैसे बॉडी का राज क्या है? ये सवाल नहीं, हमारा दिल जीत लिया यार। उन्होंने इसे कह दिया कि भाई तुझे राज भी बताएंगे, तुझे सिमरन भी बताएंगे, उसके साथ साथ तुझे मोबाइल भी दिलवाएंगे। आप इसको मोबाइल दीजिए, फिर मिल जाएगा। मिल तो तब जाएगा जब हम देंगे। नहीं नहीं, अरे यार आप गलत समझ लिए, फोन आप दे या ना दे, ये मिल तो जाएगा, क्योंकि मिल पे काम करता है यार ये। अच्छा। लेकिन यार पुत्तन, इनका शक्ल देख के लग रहा है कि ये देने नहीं वाले, देना होता तो पहले लाइन में दे देते। हमने दे दिया है। चलो यार मोबाइल तो गया यार। चलो बेकार का बात करता है, ऐसा ही बोलता रहता है। वैसे मनीषा जी बहुत बड़े फैन है आपका, सारा फिल्म देखे, सारे गाने सुने। हमारा फेवरेट गाना वो वाला है, वो जो आपके फिल्म में वो एआर रहमान जी ने बिना माइक के गाया था ना। बिना माइक के कौन सा गाना गाया था? नहीं नहीं, अरे एक बिना माइक के एआर रहमान जी से गाना गवा दिया, वो गाना था अपना, एक सूरज निकला था, एक तारा पिघला था, एक आंधी आई थी, एक दिल से आने। यार आप ही बताइए, माइक होता तो आदमी को इतना चिल्लाना पड़ता क्या? और दिल से आ निकली तो पहले कोई बताए कि भाई कांटा वाटा लगा तो आ निकलेगी, कुछ बताया नहीं, आ सीधा निकल आई, ये तो यार इट इज नॉट डन। वैसे आपका एक और गाना था जिसमें लिरिक्स जो थे ना, जिन्होंने लिखा था, हाँ वो लिरिक्स जी ने थोड़ा ऐसा गड़बड़ लिख दिया। क्या वो कहते हैं कि ए अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। ये देखिए क्या बात हुआ यार, कोई भी अजनबी हो या पहचान वाला हो, आवाज तो एक ही जगह से देगा, मुंह से, और कहां से दे देगा यार। तू तो ये बात नहीं बोल सकता ना, तेरी आवाज तो कभी कभी कहीं और से भी आती है। टप्पू शर्मा आप जरा वो दीजिए। क्या? रहने, आप रहने दीजिए। तो वैसे श्रेया, ये आपका पहला फिल्म है? जी हाँ। मानना पड़ेगा यार, क्या पहला फिल्म होता है। क्यों? क्योंकि दूसरा फिल्म का दूसरा फिल्म हो जाता है ना। अच्छा आज मनीषा जी पहली बार आई, जोक तो सुनाओ इनको अपना। यार आप कर लो ना कॉमेडी थोड़ा, हमको क्यों बीच में ला रहे? जोक तो अरे नहीं छोड़ो यार, अब रहने चल, रहने दे। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी यार, अभी आए आए हैं तो थोड़ा सुना देते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं जी, वो हमेशा शाम को क्यों मिलते हैं यार, वो दिन में नहीं मिलते, व्हाई? क्यों? बिकॉज ही इज पीएम यार, ही इज नॉट एएम। ही इज पीएम। Hey, good joke, no? Very good. Thank you. लेकिन आपको बताएं मनीषा जी, आज हम सिर्फ जॉक्स नहीं लेकर आए हैं, तो आज हम एक आपके लिए कुछ तैयारी करके लाए हैं जो हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे, इफ यू डोंट माइंड। एब्सोल्युटली। एक मिनट रुकिए जरा, ये आप थोड़ा इधर आके बैठ जाइए। अच्छा क्या करने वाला तू आज? अरे है कुछ तैयार करके लाए, मौका दीजिए ना। क्या बात है, मौका दीजिए। आइए आइए। अच्छा हम कहाँ बैठे? मे बी विद सिद्धू जी। चलो आओ आओ श्रेया।